लाइन सफारी घूमने के बाद फिर ये हम आए यहाँ पर इंटरप्रिटेशन सेंटर। यहाँ म्यूजियम है और इसका 40 रुपये टिकट भारतीय पर्यटकों से लगता है और विदेशी सरजमी से आने वाले पर्यटकों पर 100 रुपये, 12 वर्ष से अधिक और 6 वर्ष से कम है तो 40 रुपये। यहाँ से हमने टिकट लिया, ये कंप्यूटराइज टिकट काटते हैं, ये देखिए, और आगे चलते हैं। अब इसकी गैलरी में देखते हैं क्या क्या म्यूजियम में देखने को मिलता है। वैसे लायन सफारी तो बब्बर शेर के लिए बनाई गई थी और यहाँ पर ये म्यूजियम भी बनाया गया है। ये गैलरी बनाई गई और उसमें लायन से लिखी हुई इंफॉर्मेशन है। एशियाटिक लायन पैंथेरा लियो और उसके बारे में डिटेल इसमें लिखा है, वजन, कंजर्वेशन स्टेटस, लाइफ स्पैन, लेंथ, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रीडिंग हैबिटेट, स्पेशल फीचर्स। फिर ये तेंदुए का डिटेल है, रॉयल बंगाल टाइगर, पैंथेरा टाइग्रिस, टाइग्रिस का डिटेल। फिर ये वाइल्ड कैट, हेलिस, चॉस का डिटेल है, ब्लैक बक, एंटीलोप, सर्विकार्पा का डिटेल्स, स्पॉटेड डियर, एग्जिस। इधर ये शावर, ये भी एंटीलोप फैमिली का ही मेंबर होता है, मणिपुरी डियर की फोटो, हॉग डियर, ये नील गाय, और उसके बाद ये सारस क्रेन, उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड, ब्रुस एंटीगोन, सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला, उसके बारे में लिखा है यहाँ पर। फिर ये स्लोथ, जो यहाँ पर बियर सफारी भी है, वहाँ पर 3 बियर हमने देखे। फिर ये स्टार टॉर्टोइज कछुआ, ये बीवर वर्ड, जो एक विशेष आकृति का घोंसला बनाता है, उसका प्राकृतिक आवास, इन सब पर डिटेल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोगर, पावो क्रिस्टेटस का डिटेल्स। ये नीलकंठ इंडियन रोलर, और ये अजगर, पाइथन, मोलूरस, सबसे बड़ा जो सांप होता है, और बड़े अच्छे सौभाग्य की बात है इटावा जिले के आसपास पाइथन मोलूरस की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। और ये पैसर डोमेस्टिकस गौरैया, जो सबसे लार्जेस्ट फैमिली पैसराइडी से बिलोंग करती है। इधर की तरफ ये बंद है और ये पर्यटकों को घुमाने के लिए ओपन गाड़ी, और यहाँ पर ये इजिप्टियन वल्चर, दुइया तुइया तोता, गुलदुम बुलबुल, ढोर या पाख्ता जिसको पड़किया कहते हैं, ये कॉलर डब है, इसके ऊपर की तरफ ये ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती है, और ये आपका हरियल कबूतर, जो पीपल के पौधों पे बहुत इजीली देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर ये लायन का एक खूबसूरत चित्र लगाया गया है, और इस गैलरी का एक बार फिर आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए, बेहद खूबसूरत बोर्ड और उन पर डिटेल्स लिखा हुआ पक्षियों का। इधर मैमल, टाइगर, हिरन, नीलगाय, बारहसिंगा। अब आगे की गैलरी में हम चलते हैं, उधर क्या क्या है देखेंगे। ये प्रवेश द्वार है, इधर से एंट्री करेंगे। एक तरीका तरीका के चित्र, और ये सारस का मॉडल, बारहसिंगा, काफी खूबसूरत यहाँ पर चित्रकारी की गई है, और इसका ये गलियारा बना है अच्छा सा।
यद्यपि आर्टिफिशियल हैं, ये देखिए आपका पक्षियों से रिलेटेड पावो प्रिस्टिंगा। ये मेल और फीमेल बट शेर के फैमिली का मॉडल लगाया गया है। ये फीमेल होती है जिसकी गर्दन पर बाल नहीं होते और ये मेल की अपेक्षा छोटी होती है, और ये उसका साबक, और ये मेल पैंथेरा लियो या बब्बर शेर एशियाटिक लायन, इसी के लिए लायन सफारी टावर का निर्माण किया गया है। इसकी खासियत होती है इसकी गर्दन पर ये मेल में हेयर्स होते हैं। ये एंटीलोप है, बारह शिंगा की वो देखिए मॉडल लगा, ये हिरन का है, ब्लैक बक जिसको बोलते हैं, ब्लैक कलर का ऊपर नीचे वाइट स्ट्राइप ब्रीज साइड में। आगे देखते हैं क्या है, ये उसका गैलरी का ये व्यू। ये स्पॉटेड डियर, ये बारहशिंगा, ये दुधवा नेशनल पार्क के बारे में यहाँ पर लायन सफारी टावा में बताया गया है कौन कौन से वहाँ देखने को मिलते हैं टाइगर रिजर्व के बारे में। ये अजगर का है मॉडल, टर्टल्स, गैंगेटिक डॉल्फिन, ये घड़ियाल, टर्टल्स का ये वेस्किंग साइट बनाई गई है, ये इनकी फोटो गैलरी, पीकॉक, स्पॉटेड बिल्ड पेलिकन, इधर ये रेप्टाइल्स कौन कौन से मिलते हैं यहाँ पर, इसमें कोमन, गार्डन्स, स्किंक, इंडियन फ्लैप सेल टर्टल, ओरिएंटल कॉमन गार्डन लिजार्ड, ये कॉमन क्रेट, और ये आपकी बटरफ्लाइज कौन कौन सी है ये देखिए, बेहद खूबसूरत नज़ारा, टीवी लगी हुई है। लायन सफारी में कौन कौन सी बटरफ्लाई हैं जो देखने को मिलेंगी, ये टावा सफारी पार्क के वर्ड्स कौन कौन से यहाँ मिलेंगे आपको, ये देखिए ब्लैक सोल्जर काइट, येलो फुटेड गार्डन पिजन, यूरेशियन ईगल, ग्रे पेंगुलिन,
ब्लैक फ्रैंकोलिन रिवर वाटर और ये पैरट काउकल किंगफिशर रोलर और ये एक्वेटिक बर्ड्स कर रहे हैं।